भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अमरोहा के नौगावा सादात में उपचुनाव को लेकर दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस एक वंशवाद की पार्टी है। वंशवाद की पार्टी के आधार पर वो राजनीति करते हैं, इसीलिए उनके राज में गुंडा राज, भ्रष्टाचार होता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज अमरोहा के नौगावा सादात में उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने गांव अकबरपुर पट्टी और याहियापुर में ग्राम चौपाल और बूथ समितियों को संबोधित किया। इसके उपरांत भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उपचुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है। ऐसे में जनता अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझने लगी है। उन्होंने बीजेपी के विकास को भी गिनाया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज जो आपका अमरोहा हुआ था, प्रथम उसको बता दीजिए सर, पहले आप आईडी पकड़ो मेरे। क्या है राज्य के अंदर उपचुनाव 7 सीटों पर चल रहा है। आज जिस सीट से चुनाव का शुभारंभ हुआ है, अपना लोकप्रिय बूथ अध्यक्ष राजेश जाटव के घर से चाय पीकर और उस परिवार का आशीर्वाद लेकर और एक गांव में चौपाल, फिर मूर्छों की बैठकें हैं। आज से ही चुनाव का शुभारंभ हुआ है और राज्य के अंदर सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। संगठन का ढांचा पूरी तैयार है नीचे तक, और कार्यकर्ताओं के आधार पर और जनता का जो प्यार है उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के लोकप्रियता के आधार पर, जिस प्रकार वो गरीबों की सेवा करते हैं और देश के अंदर, राज्य के अंदर इस प्रकार के नेता कम मिलते हैं जो पूरा जीवन गरीब के सेवा के लिए और गांव के लिए अपना समर्पित कर दिया है। कोरोना जैसे महामारी में भी उत्तर प्रदेश में एक चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया। प्रत्येक घर के मतलब छात्र को लाने में कोटा से हो तो छात्रों को मिलाया गया, प्रवासी मजदूरों को भी घर तक पहुंचाने का काम किया और साथ में उनको अन्य योजना के माध्यम से पूर्ण सामग्री देना और अकाउंट में पैसा देने का काम किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया। अच्छा, मैं देखिए, सभी राजनीतिक दल हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आपने उनका शासन 15 सालों तक देखा है। राज्य के अंदर उन्होंने लूटा है, उनका रेट तय होता है, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार यानी एक तरह का पूरे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, भेदभाव होता है, जाति के आधार पर राजनीति होती है। लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के साथ काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, या कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी शौचालय से लेकर स्वच्छता अभियान तक जितनी भी योजनाएं हैं, सभी के लिए किया जाता है। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी, या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हो, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। बात की जाए उसके, आप कह रहे हैं मकान प्रधानमंत्री आवास योजना, नौगांव विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं बहुत सही से, पहले यहाँ पर जो योजनाएं थी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली ना गरीबों को। मुलायम सिंह के समय जो गणना 2011 की थी, उस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आवास लक्ष्य रखा गया था और उस गणना के सभी आवास, एक एक आवास योगी सरकार ने बनवा दिया। फिर से सर्वे हो रहा है, जिन गरीबों का पक्का मकान नहीं बना है 2022 तक उनका भी पक्का मकान पूरा कर दिया जाएगा। यहीं तक नहीं, सभी के घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाने का भी, सभी घरों में नल टोटी पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता को पीटा गया था, तो इस पूरे मामले में जो है आप कह रहे हैं क्या है? कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता को पीटा गया था 4-5 दिन पहले, देखिए बीजेपी की राजनीति ना व्यापार नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करते हैं और सरकार कार्यकर्ता दोनों मिलकर जनता की सेवा करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस एक वंशवाद की पार्टी है और वंशवाद के पार्टी के आधार पर वो लोग राजनीति करते हैं, इसलिए उनके राज्य में भ्रष्टाचार होता है, गुंडागर्दी, और बीजेपी के शासन में सुशासन का राज होता है, गरीबों का शासन होता है और गरीब खुशहाल होता है। कानून अपना काम करता है और कानून को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, सरकार का कोई भी व्यक्ति, इसलिए कानून अपना काम कर रहा है। एक मिनट, सभी गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय मिलता है और न्याय सभी गरीबों के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.